अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। भाऊजी, हमें आपसे एक तो बात करनी है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, कर कर वालों ने, गुर गुर वालों ने। बात कर रहा हूँ, चुप जाओ। बोलिए भगवती जी, आप हम पे एक एहसान करेंगे? हम पे एक एहसान कीजिएगा कि हम पे कोई एहसान मत कीजिए। क्या बात कही है भगवती जी। क्या है कि हमारे मेहमान आने वाले हैं और वेटर अभी तक नहीं आए हैं। कव्वाली तो आप गा ही लेंगे, लेकिन उससे पहले तनिक वेटर गिरी कर लें तो बेहतर रहे। आपका दिमाग खराब हो गया? बहकी बहकी बात कर रहे हैं आप। हम लोग फनकार लोग हैं, कलाकार लोग हैं, कोई वेटर नहीं है। हमारे दिल में फनकारों के लिए तहे दिल से इज्जत है, उनका सम्मान करते हैं भभूती जी। लेकिन तिवारी सेठ, थोड़ी देर पहले तो हमारी हैसियत तुम्हारी नजरों में 2 करोड़ की थी। यार मेरे बेटे, उस समय हमारा मूड तनिक और था, थोड़ा समझे। तू तो बात को पकड़ के बैठ जाते हो। भभूती जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी लाज रख लीजिएगा, हम आपके पांव पड़ते हैं। क्या कर रहे हैं तिवारी जी, प्लीज डोंट एंबैरस। हमें हमारी हमारी बेइज्जती हो जाएगी मेहमानों के सामने, हम आपके सामने हमें भीख मांगते हैं भभूती जी, भीख। सुनिए ना भभूती जी, आप मान जाइए ना, लड्डू के भैया की इज्जत का सवाल है, प्लीज। भाभी जी ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मिलनो या बेबी, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मूड है क्या? सुन बे नल्ले, मेरा पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। आई लाइक इट, मेरा इसी में इंटरेस्ट है। बोलो बे, क्या बोलते भैया? जा मैं कह रही है, कमा लेंगे। पक्का? पक्का। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया सेटिंग कर लो। तिवारी लौंडे तैयार हो गए हैं वेटरगिरी के लिए, लेकिन उसके लिए उसकी टेंशन मत लीजिए। लालच बहुत बुरी बला है भैया, लालच ने कव्वाल से वेटर बना दिया। अबे विभूति, तू तो बहुत बड़ा कव्वाल बन रहा था। कव्वाल कुछ भी कर सकता है बे। वाह, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है, मेरे घर में कुछ गंदे बर्तन पड़े, क्या आप धोल देंगे? हुई 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 हुई। Can I call you back in a while? जलेबी खाएंगे? चिपस। Guys ये क्या हो रहा है? तुम लोग तो कह रहे हो तुम लोग कव्वाली परफॉर्म करने वाले हो, ये वेटर कब से बन गए? पापी पेट का सवाल है, पेट क्या क्या नहीं करवाता आदमी से। के भैया आप ऐसा काहे बोल रहे हैं उनके बारे में? अरे यार वो सब छोड़ो, अरे यार बधाइयां दो बहू को और कच्चा बनियान को। घटिया वेटर एकदम। आप गो टू हेल। सुनो रोसा, डोंट फॉलो, जलेबी तो खा लो। चलो क्या बदतमीजी कर रहा है यार तू, तू कव्वाल बन के आया था, वेटर की नहीं कर रहा है यहाँ पे? चार्ज वेटरगिरी के एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तिवारी जी देखिए, पार्टी वार्टी हो गई है, अब कव्वाली का प्रोग्राम शुरू करवाइए। एक मिनट रुकिए ना, इतनी जल्दी क्या है भाई। वाह तिवारी जी, आज तो मजा आ गया। मतलब आपका खाना तो लाजवाब था ही, साथ में आपके वेटरों की जो सर्विस थी ना, वो भी लाजवाब थी। हम एक्चुअली वेटर, खानदानी वेटर हैं। वाह वाह, वेटर की तो खून में बहती है। भगवान ऐसे हैंडसम वेटर सबको दे। कितने अच्छे वेटर हैं, कितनी अच्छी सर्विस देते हैं। चलो चलो बाय। तिवारी जी हमारी कव्वाली कराइए और इनसे कहिए कि मैं हम कव्वाल हैं, वेटर वेटर नहीं है। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अभी हमने आपसे वेटर गिरी कराई है, अब हम इनसे कहेंगे कि आप कव्वाल हैं, आप कव्वाली भी गाते हैं, तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? अपनी बात से पलट रहे। आइए आइए फूफा जी। बेटा अगले महीने हमारी बहन की बेटी की शादी है, तो ये वेटर्स के नंबर्स मिलेंगे। जी जरूर जरूर, क्यों नहीं। अलटू के भैया क्या बोल रहे हैं, तो झंडे गाड़ देंगे ये। झंडे गाड़ देंगे हर जगह, वेटरिंग के झंडे गाड़ देंगे। अरे खुश रहो खुश रहो। जी ऑलराइट तिवारी जी, कव्वाली के 25,000 और वेटर गिरी के 1,000-1,000 ईच, मतलब 4,000 ही है, तो निकालिए 29,000। 29,000
29,000 धक्के मार के अपने घर से निकालेंगे आपको। कवाली तो आपने गाई नहीं और वेटर गिरी आपका धंधा है नहीं, तो पैसे किस बात के। चलिए निकलने आज निकलिए फुटिए। अरे चुके भैया। ओ लेकिन देखिए इधर आओ। राय फिर मैं देख लूंगा। अरे आप काहे नहीं आए मौसा जी, हमने आपको बहुत मिस किया। अरे बहुत ही कमाल का फंक्शन था, पूरे कानपुर में इसी की चर्चा चल रही है। हाँ भैया तिवारी, कहाँ कपड़ा पंचायत चल रही दादा। बाद में कॉल करते हैं। क्या दरोगा जी, आप हमारे घर क्यों आए हैं? तो मामा जो बताओ, तुम जा गरीब आदमी के काय पैसा मार के बैठे हो। हम भी किस गरीब आदमी के पैसे मारे। अरे अच्छा, इस गरीब आदमी की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मेरी बात कर रहे हैं। भैया विभूति, तुम खोल के हम बैठे, तुम साफ साफ बताओ। साफ साफ बात यह है कि साहब हम कव्वाल हैं और कव्वाली गा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ओके। इन्होंने अपने घर में कव्वाली का प्रोग्राम रखा। अरे तो इसमें क्या गलत कर दिया, अगर हम वेटर से कव्वाली गवाते तो हमारी तो दो कौड़ी की इज्जत नहीं रह जाती दरोगा जी। जब बात में दम है, दम है। Exactly. Actually, वेटरों से कव्वाली गवाना कानूनन जुर्म है। इस केस में वेटर भी अंदर जा सकता है। हम वेटर थोड़ी हैं, हम तो कव्वाल हैं। कव्वाली गाने गए थे, इन्होंने कव्वाली नहीं गवाई हमसे, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। It's not our fault. Correct. भैया तिवारी जी, तुमने इनसे कव्वाली काहे नहीं गवाई? अब मेहमानों ने खाना नहीं खाया था। हाँ। उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी। Correct. अब आप ही बताइए, हम पहले उन्हें कव्वाली सुनाते या उन्हें खाना खिलाते? नहीं, जब आठ में तो खैर दम है कि देखो भैया विभूति, आदमी अगर सारो भूखो होगो ना तो पहले चाय गो के ठूंस लें, बाकी काम सेकेंडरी। लेकिन खाना खाने के बाद भी तो कव्वाली गवा सकते थे, हम लोग तो गवा से बैठे थे वहां पे। जब आठ में तुम्हारी सही लगी, जब इतने गवा से तुमने खाना ठूंसने के बाद फिर बाद में काहे नहीं कव्वाली सुनवाई? अरे कैसे कव्वाली सुनाते, ये पहले वेटर गिरी कर चुके थे। जब मनोहर डंडी लेके खड़ो रहेगी, सारी कार्रवाई सारे हम ही कर रहे, तेरे खुद को अंदर अंदर से कम मत है। यस सर, एक्चुअली मेरे ख्याल से तो मनोहर जी जी, आप दोपहर के समय मॉडर्न कॉलोनी में आएंगे तो तनिक मिल लीजिएगा। जब इन्होंने कव्वाली गाई ही नहीं तो किस बात के पैसे। और जो काम इनका नहीं था वो इन्होंने किया तो फिर किस बात के पैसे। सर मेरे ख्याल से तिवारी जी सही कह रहे, सारी गलती इनकी है। कानून बिक गया फिर से एक बार, कोई नई बात नहीं, सदियों से कानून बिकता आया है। पहले निछावर की जिम्मेदारी हमारे हपुसिन जी के ऊपर थी, अब उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने छुट भैये हवलदार को दे दी है। हवलदार, तुम्हें ये निछावर की नई इनिंग्स मुबारक हो। अंतिवारी जी, यू विल पे फॉर इट एंड आई सी टू इट। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।